नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि मुद्दा आपका। जी हां, बिहार में लंबे वक्त के बाद, लंबे संघर्ष के बाद शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, नई नियमावली बनी, बीपीएससी के अंडर में परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया। शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने परीक्षा को लेकर तगड़े इंतजाम किए। परीक्षा ली गई लेकिन रिजल्ट जारी होने से पहले कई अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया गया। बीएड वाले अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। आदेश जारी हुआ कि 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बनेंगे। ये सब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश दिया कि प्राइमरी यानी कि क्लास 1 से लेकर 5 तक बीएड अभ्यर्थी टीचर नहीं होंगे। इसके लिए सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार शिक्षा विभाग और बीपीएससी की आज अहम बैठक हुई। बैठक के बाद साफ कर दिया गया कि 14 सितंबर को जो रिजल्ट जारी होगा उसमें बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आएगा। सवाल यह है कि अब यानी जब परीक्षा की सारी बातें तय हो रही हैं तो उस वक्त यह फैसला क्यों लिया गया। सवाल यह है कि क्या बीएड वालों की शिक्षक बनने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। पहले आज के बयान है, जो नाराजगी है इसके बाद जो रिएक्शन है जरा वो सुनिए, फिर चलेंगे मेहमानों के पास। इनकी तैयारी हो चुकी थी, अब जब इनसे परीक्षा ली जा चुकी है तब इन्हें बीच से बाहर करना कहीं से भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 का है, लेकिन बीपीएससी ने जो वैकेंसी शिक्षक के पोस्ट पर जारी की थी वो 30 अप्रैल 2023 को जारी की थी। इसका मतलब और कहीं भी बीपीएससी ने अपनी अधिसूचना में, नोटिफिकेशन में इस बात को नहीं कहा था कि बीएड योग्यताधारी 1-5 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आलोक में शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये इस पर तय होगा।